हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी आयोग के द्वारा पूछे गए इतिहास के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको देख रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हमें चैप्टर 10 देखना है, मुगल साम्राज्य। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 65 से अब हमें स्टार्ट करना है। देखिए इसमें कह रहा है, निम्नलिखित में से किस लड़ाई में मुख्य विरोधियों को सही ढंग से नहीं बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है पानीपत की लड़ाई पहली लड़ाई इब्राहिम लोदी, बाबर और इब्राहिम लोदी। पानीपत की दूसरी लड़ाई टीपू सुल्तान और मराठा। यह हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर पानीपत की जो पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, तो ये तो ठीक दिया है। इस युद्ध में बाबर की विजय हुई, इब्राहिम लोदी मारा गया था, अफगान सेना नष्ट हो गई थी। ठीक, तो यहाँ पर पानीपत की जो प्रथम लड़ाई है वो हमने देख ली, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी जिसमें बाबर विजयी हुआ था। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और हेमू के बीच हुई थी। इस युद्ध में अकबर की विजय हुई थी तथा हेमू को पराजय हुई थी। इस प्रकार हल्दीघाटी युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था, जिसमें महाराणा प्रताप पराजित हुए, चेतक पर सवार होकर पहाड़ियों की ओर भागकर आश्रय लिया। अतः स्पष्ट है कि यहाँ पर विकल्प बी जो है वही, मतलब विकल्प बी जो है ये अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, जबकि यहाँ टीपू सुल्तान और मराठा दिया गया है, तो यहाँ पर यही गलत दिया हुआ है। मीन्स राइट आंसर यहां पर बी हो जाएगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कह रहा है अकबर की सफल भू राजस्व प्रणाली का श्रेय उनके निम्नलिखित में से किस श्रेष्ठ दरबारी को दिया जाता है, बीरबल, राजा टोडरमल, राजा मानसिंह, खयाम। तो यहाँ पर देखिए अकबर की सफल भू राजस्व प्रणाली का श्रेय राजा टोडरमल को दिया जाता है। वह अपने समय के एक योग्य राजस्व अधिकारी थे। पूर्व में इन्होंने शेरशाह के दरबार में सेवा दी थी। भू राजस्व की जब्ती प्रणाली की शुरुआत टोडरमल ने की थी, जिसे प्रायः टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। तो भू राजस्व प्रणाली का श्रेय जो दिया जाता है राजा टोडरमल को दिया जाता है। राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम, बरीद, फरीद, फैजल, फारूक। तो यहाँ पर देखिए इसका एक्सप्लेनेशन पहले देखिए। शेर शाह सूरी का बचपन का नाम फरीद था। इन्हें अपनी शिक्षा जौनपुर में प्राप्त की थी। 26 जून 1539 को चौसा का युद्ध हुआ, हुमायूं और शेर शाह के बीच लड़ा गया, जिसमें विजय के पश्चात शेर खां, मीन शेर शाह की शक्ति व प्रतिष्ठा दोनों में वृद्धि हुई। उसने शेर शाह की पदवी धारण कर अपने नाम का फतवा खुतवा पढ़वाया और सिक्के पर भी अंकित करवाया। 17 मई 1540 ईस्वी को कन्नौज या बिलराम में के युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ। कालिंजर विजय 1545 ईस्वी के दौरान शेर शाह घायल हो गया। 22 मई 1545 ईस्वी को उसकी मृत्यु हो गई। शेर शाह का मकबरा जो है सासाराम बिहार में स्थित है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने देखा राइट आंसर यहाँ पर उसके बचपन का नाम क्या था, फरीद था। मीन्स राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं आज का। देखिए इसमें कह रहा है 68 क्वेश्चन नंबर, 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था। तो अभी हमने देखा था पिछले वाले क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था, यानी राइट आंसर यहां पर सी हो जाएगा। अभी देख लीजिए पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ। पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और हेमू के मध्य हुआ। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 को मराठों और अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ था। तो इस तरीके से आप इनको देख सकते हैं। एक्सप्लेनेशन से आपके कई सारे क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं, इसलिए एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से किया करिए। देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो यहाँ पे बताना है कौन सा युद्ध किस टाइम पर हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई। वह मुगल वंश का अंतिम प्रतापी बादशाह था। इसका मकबरा औरंगाबाद में है। औरंगजेब ने औरंगाबाद में अपनी पत्नी राबिया उद्दौरानी की स्मृति में ताजमहल की तरह मकबरा बनवाया। दिल्ली के लाल किले के भीतर मोती मस्जिद बनवाई। 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत कुषाण शासक कनिष्क ने की थी। तो यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर है वो कितना हो जाएगा, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई, जबकि यहाँ पे 1709 दिया रखा है। मीन्स यही यहाँ पर गलत दिया हुआ है। मीन्स यही राइट आंसर है इसका, डी नंबर। ठीक है, बाकी सभी कलिंग युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ और शक संवत की शुरुआत 78 में और मुस्लिम की शुरुआत 622 ईस्वी में। तो इस तरीके से इसको हमने देख लिया। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। तो आपने पढ़ा होगा हुमायूं की मृत्यु हुई थी पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। भारत में मुगल वंश के संस्थापक बाबर का पुत्र नसीरुद्दीन हुमायूं 1530 ईस्वी में मुगल वंश की गद्दी पर बैठा। गद्दी पर बैठने के पूर्व हुमायूं बख्त खां
प्रदेश का सूबेदार था। वर्ष 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुमायूं और शेर खां के बीच हुआ, जिसमें हुमायूं जब पराजित हुआ। इस युद्ध के बाद शेर खां ने शेर शाह की पदवी ग्रहण की और इसके बाद बेलग्राम यानी कन्नौज के युद्ध में 1540 ईस्वी में हुमायूं एक बार फिर शेर खां से पराजित हुआ और वह सिंध चला गया, जहाँ पर 15 वर्षों तक निर्वासित जीवन व्यतीत किया। 1555 ईस्वी में हुमायूं ने पंजाब के सूर शासक सिकंदर सूर को मच्छीवाड़ा एवं सरहिंद के युद्ध में पराजित कर पुनः दिल्ली पर अधिकार कर लिया। वर्ष 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। यानी यहाँ पर राइट आंसर आपने देख लिया, हुमायूं होगा डी राइट आंसर। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? 1527, 1525, 26, 1524। तो यहाँ पर देखिए, ये सभी क्वेश्चन देखिए रिपीटेड हैं, कई दो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ठीक है, तो अच्छे से इसको देखिए। कह रहा बाबर का भारत पर प्रथम अभियान वर्ष 1519 ईस्वी में यूसुफजाई जातियों के विरुद्ध बाजौर और भेरा पर किया। पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोदी एवं इब्राहिम लोदी का चाचा अहमद आलम खां लोदी को बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। फिर देखिए यहाँ पे कह रहा है 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित किया। बाबर ने इस युद्ध में उज्बेगों की तुलगमा युद्ध नीति अपनाई और भारत में पहली बार प्रयोग किया। तो यहाँ पर देख लेते हैं अब इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर राइट आंसर 1526 हो जाएगा, यानी बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमसे, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक द्वारा आगरा के किले का निर्माण कराया गया? शाहजहाँ, औरंगजेब, अकबर, जहांगीर, ठीक है। तो हमसे पूछा जा रहा आगरा के किले का निर्माण किसने करवाया था, तो आगरा के किले का निर्माण सन 1565 से 73 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर द्वारा कराया गया था। यह किला 380,000 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। इसका निर्माण लाल बलुआ पत्थर से किया गया है, इसलिए इसे आगरा का लाल किला कहा जाता है। यह किला सन 1983 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। तो इस तरीके से यहाँ पर हम देख रहे हैं राइट आंसर, देखिए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, अकबर, ठीक है, अकबर ने इस किले का निर्माण करवाया था, यानी बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब देख रहे हैं हम 73 नंबर, कह रहा मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका क्या थी? युद्ध के लिए सेना का नेतृत्व करना, राजकोष को बनाए रखना, राजस्व नियंत्रित करना, कानून व्यवस्था को बनाए रखना। तो कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखना इसका सही काम था। तो यहाँ पर देखिए मुगल शासन के दौरान कोतवाल की भूमिका सूबे की राजधानी तथा बड़े नगरों में कानून एवं व्यवस्था की देखभाल करना तथा इसे नगर प्रधान भी कहा जाता था। तो राइट आंसर यहाँ पर डी हो गया है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य के सासाराम शहर में स्थित किस प्राचीन सम्राट का मकबरा है? तो अभी अपने पिछले क्वेश्चन में पढ़ के आए हैं शेरशाह सूरी का मकबरा है। तो बिहार राज्य के सासाराम शहर में शेरशाह सूरी का मकबरा है। यह मकबरा एक तालाब के बीच ऊँचे चबूतरे पर बना है। यह मकबरा हिंदू एवं मुस्लिम वास्तुकला का मिश्रण है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमसे, मुगल वंश के पहले सम्राट अकबर ने देसी भाषा चगताई तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी, इस पुस्तक का क्या नाम है? मुगलनामा, बाबर मुबारक, बाबरनामा, बाबर बिहाया। तो यहाँ पर देखिए मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर तुर्कों की चगताई शाखा से थे, जिसका संबंध मंगोल नेता चंगेज खां से है। बाबर अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी है, जिसको तुजुक के बाबरी या बाबर नामा के नाम से जाना जाता है। यह किताब तुर्की भाषा में लिखी गई है, लेकिन मुगलों की दरबारी भाषा फारसी थी। इस पुस्तक में बाबर ने विजयनगर व मेवाड़ साम्राज्य का उल्लेख किया है। तो राइट आंसर यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, कि पहले सम्राट बाबर ने अपनी देशी भाषा तुर्की चगताई में आत्मकथा लिखी है, ये बाबरनामा है। तो राइट आंसर यहाँ पर बी हो गया है, ठीक। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था? ठीक है, तो इसको देख लेते हैं हम, भारत में जहांगीर का शासनकाल,
देखिए भारत में जहांगीर का शासनकाल वर्ष 1605 से 1627 ईस्वी तक था। इसका शासनकाल चित्रकला का स्वर्ण युग माना जाता है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है चित्रकला का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को माना जाता है, तो जहांगीर के शासनकाल को माना जाता है। 7 नवंबर 1627 में इसकी मृत्यु हो गई थी। तो ये आपने देख लिया। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। इसमें कह रहा है वह कौन सा स्थान है जहाँ अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी। रंगून, आगरा, ग्वालियर, दिल्ली। तो रंगून में इनकी मृत्यु हुई थी। देखिए 1857 के विद्रोह के समय बहादुर शाह द्वितीय को हुमायूं के मकबरे के से गिरफ्तार किया गया। उन्हें हडसन ने रंगून निर्वासित किया। 1862 में जफर की मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर राइट आंसर तो आपने देख लिया, ए हो जाएगा, रंगून। अब अगला देखते हैं हम क्वेश्चन। कह रहा पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था। जहांदार शाह फखरुद्दीन, बहादुर शाह, मोहम्मद शाह। तो यहाँ पे जहांदार शाह ए राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लीजिए इसका भी एक्सप्लेनेशन। कह रहा बहादुर शाह की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों जहांदार शाह, अजीमुशान, रफीउशान और जहान शाह में हुए उत्तराधिकार युद्ध में जहांदार शाह 1712 से 1713 ईस्वी में जुल्फिकार खां के सहयोग से सत्ता प्राप्त की। 51 वर्ष की आयु में जहांदार शाह 29 मार्च 1712 ईस्वी को मुगल राज सिंहासन पर बैठा। जुल्फिकार खां व इसका प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। जहांदार शाह जुल्फिकार खां के हाथों का कठपुतली बनकर रह गया। जहांदार शाह के शासनकाल में प्रशासन की बागडोर जुल्फिकार खां के हाथों में थी। जहांदार शाह ने लाल कुमारी नामक वेश्या को शासन में हस्तक्षेप करने का अधिकार दे दिया था। लोग इसे लंपट मूर्ख भी कहते थे। अजीमुशान के पुत्र फखरुद्दीन ने सैयद बंधुओं अब्दुल्ला खां व हुसैन अली के सहयोग से जहांदार शाह की हत्या कर दी थी। तो ये आपने देख लिया। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने की थी। अकबर, शाहजहां, अकबर, जहांगीर, बहादुर शाह। तो यहाँ पर देखिए विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। पहले आगरे के किले में स्थित था, बाद में इसे दिल्ली के लाल किले में स्थापित करवाया था, जिसे यहां से लूटकर नादिर शाह ने अपने देश ईरान ले गया। शाहजहां के शासनकाल को मुगल स्थापत्य कला का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। देखिए अभी आपने एक क्वेश्चन पीछे देखा था, अब देखिए यहाँ पर मुगल स्थापत्य कला का अगर स्वर्णकाल पूछा जाए तो शाहजहां के काल को कहा जाता है। शाहजहां के द्वारा बनाई गई प्रमुख इमारतों में दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरे की मोती मस्जिद व ताजमहल हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा, शाहजहां। ठीक, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि कौन थे। बीरबल, रहीम खान, तुलसीदास, बैरम खान। तो यहाँ पर देखिए रहीम खान यानी अब्दुल रहीम खान खाना अकबर के दरबार के प्रसिद्ध कवि थे। इनका जन्म 17 दिसंबर 1556 को हुआ था। अकबर के दरबार में इनका महत्वपूर्ण स्थान था। रहीम अकबर के नवरत्नों में से एक थे। गुजरात युद्ध में शौर्य प्रदर्शन के कारण अकबर ने इन्हें खान खाना की उपाधि दी थी। रहीम की 11 प्रसिद्ध रचनाएँ हैं। इनके काव्य में मुख्य रूप से श्रृंगार, नीति और भक्ति के भाव मिलते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर आपने देख लिया, सी राइट आंसर हो जाएगा, रहीम खान। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है अकबर के नवरत्न के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है। कह रहा अबुल फजल व अकबर के वजीर थे और अकबर के शासनकाल में अकबरनामा के लेखक थे। राजा मान सिंह अकबर के वित्त मंत्री थे। और क्या कह रहा है, सी ऑप्शन कह रहा है अब्दुल रहीम खान खाना वह एक कवि थे और अकबर के भरोसेमंद देखभाल करने वाले बैरम खान के पुत्र थे। मुल्ला दियो प्याजा मुगल सम्राट अकबर के मुख्य सलाहकारों में से एक थे। तो देखिए राजा मान सिंह जो थे आमेर के राजा भारमल का पौत्र था। यह 14 नवंबर 1589 को आमेर की राजगद्दी पर बैठा। यह अकबर के नवरत्नों में से एक था। अकबर का मनसबदार एवं मुख्य सेनापति था, ना कि वित्त मंत्री। अकबर मान सिंह ने अकबर को फर्जंद और राजा की उपाधि से सम्मानित किया था। तो यहाँ पर देखिए गलत क्या दिया हुआ है, बी गलत हुआ है, मतलब यही राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। राजा मान सिंह वित्त मंत्री नहीं थे अकबर के, ठीक है, ये सेनापति थे। ठीक, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। औरंगजेब का पुत्र कौन था। अकबर बाबर, अकबर, हुमायूं, शाहजहां। तो औरंगजेब का जन्म 1618 ईस्वी में गुजरात उज्जैन के दोहद नामक स्थान पर मुमताज के गर्भ से हुआ था। इसके पिता
इसका नाम शाहजहां था। इसके शासनकाल इसके इसने 1658 से 1707 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य पर शासन किया। इसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य अपने विस्तार के चरमोत्कर्ष पर था। ये राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, शाहजहां का पुत्र था। ठीक, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था। आपने अभी पढ़ा अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था, बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कह रहा है पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अफगान शासक आदिल शाह सूर के वीर सिंधु नायक हेमचंद विक्रमादित्य हेमू और मुगल बादशाह अकबर के मध्य हुआ था। युद्ध का प्रारंभिक क्षण हेमू के पक्ष में जा रहा था, लेकिन उसकी आँख में एक तीर लग जाने के कारण वह आपा खो बैठा। अकबर के संरक्षक बैरम खान ने हेमू को गिरफ्तार करके मरवा दिया था, पानीपत का द्वितीय युद्ध जीत लिया था। इस तरीके से आपने देख लिया, राइट आंसर बी हो गया, अकबर और हेमू के बीच में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा मुगल बादशाह, इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन, इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो औरंगजेब राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं इसका हम एक्सप्लेनेशन। कह रहा औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 को उज्जैन के निकट दोहद नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता शाहजहां व माता मुमताज महल थी। औरंगजेब पवित्र जीवन व्यतीत करता था, वह सभी दुर्गुणों से मुक्त था तथा यथा यति के जैसा जीवन व्यतीत करता था। खाने पीने वेशभूषा जीवन की अन्य सुविधाओं में से वह बेहद संयम रखता था। तो यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया था। तो देखिए इसको देख लेते हैं हम क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पर कह रहा है मुगल बादशाह अकबर के पूर्व इलाहाबाद कड़ा मानिकपुर प्रांत का एक हिस्सा था। अकबर ने सैन्य महत्व को दृष्टिगत रखते हुए इलाहाबाद में एक किले का निर्माण करवाया और इलाहाबाद को कुछ समय के लिए अपनी राजधानी बनाया। अकबर ने ही प्रयागराज का नाम इलाहाबाद रखा। नहीं, राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था, हेमू, अबल फजल, फैजी, बैरम खान। तो यहाँ पर देखिए अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट के राजा वीरसाल के महल में हमीदा बानो बेगम मरियम मकानी के गर्भ से हुआ था। अकबर के प्रारंभिक 3 वर्ष चाचा अस्करी के संरक्षण में बीता। हुमायूं की मृत्यु के पश्चात अकबर के प्रमुख संरक्षक बैरम खान हुए, जबकि अकबर के पहले संरक्षक मुनीम खान थे। बैरम खान ने 14 फरवरी 1556 को गुरदासपुर के निकट कालानौर में अकबर का राज्याभिषेक करा दिया। सम्राट बनने के पश्चात अकबर ने अपने संरक्षक बैरम खां को वकील यानी वजीर के पद पर नियुक्त कर खाने खाना की उपाधि प्रदान की। बैरम खां फारस के सिया संप्रदाय से संबंधित थे। तो राइट आंसर आपने देख लिया, बैरम खां थे, राइट आंसर डी हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हुमायूं की दुर्घटना के आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया, लाहौर, कालानौर, सरहिंद, काबुल। तो कालानौर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, सन जनवरी 1556 ईस्वी को दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु का समाचार सुनते ही बैरम खान ने अकबर को 14 वर्ष की उम्र में 14 फरवरी 1556 ईस्वी को कालानौर पंजाब में अकबर का राज तिलक कर बादशाह घोषित कर दिया। ज्ञातव्य है कि बैरम खान अकबर का संरक्षक था। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88। कह रहा निम्नलिखित में से किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ, अकबर, शेरशाह सूरी, हुमायूं, समुद्रगुप्त। तो देखिए यहाँ पर क्या है, शेरशाह सूरी के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया जारी किया गया था, जो आज के रुपया का अग्रदूत है। चांदी का रुपया 180 ग्रेन तथा तांबे का दाम 380 ग्रेन तथा ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण भी शेरशाह सूरी के शासनकाल में किया गया था। यानी सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, शेरशाह सूरी। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89। कह रहा थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था, आगरा, झांसी, इलाहाबाद, अजमेर। तो देखिए 1615 ईस्वी में जहांगीर अजमेर के किले में सर थॉमस रो से तथा 1608 में कैप्टन हॉकिंस से राजदरबार में मिला था। तो राइट आंसर यहां पर डी हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 में कह रहा है निम्नलिखित में से किसे भूमापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की थी, बहादुर शाह, शाहजहां, शेरशाह, अकबर। तो देख लेते हैं इसको हम।
देखिए शेरशाह जो शेरशाह सूर वंश का संस्थापक तथा इसने अपने सबसे पहले भूमापन के लिए सिकंदरी गज का प्रयोग किया जो 32 अंक का होता था तथा सन की डंडी का भी प्रयोग किया था। यानी यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा शेरशाह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 देखिए इसमें कह रहा इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की, फैजी, बदायूनी, अबुल फजल, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर देख लीजिए कि अकबर के धार्मिक नीति की आलोचना बदायूनी ने किया, अकबर नामा की रचना अबुल फजल ने की, वह दीन ए इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित एवं पुरोहित था और दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक बीरबल था। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 92। इसमें कह रहा है इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था, अकबर, औरंगजेब, शाहजहां, बहादुर शाह जफर। तो देखिए मुगल सम्राट अकबर जो 1556 से 1605 ईस्वी तक रहा अनपढ़ था। अकबर ने 1556 में दास प्रथा का अंत किया, 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया, 1556 में जजिया कर समाप्त किया, 1582 ईस्वी में तौहीद ए इलाही अर्थात दीन ए इलाही की स्थापना की, 1583 में इलाही संवत जारी किया। तो कौन अनपढ़ था, अकबर अनपढ़ था। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93। इसमें कह रहा मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था, दारोगा, सूबेदार, फौजदार, कोतवाल। तो देखिए मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को कोतवाल कहा जाता था। नगर के शासनकाल का प्रधान कोतवाल होता था और वह उन सभी कार्यों को करता था जो आधुनिक समय में नगरपालिकाएं और पुलिस अधिकारी मिलकर करते हैं। तो राइट आंसर यहां पर डी हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अंततोगत्वा मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र राणा अमर सिंह के साथ समझौता किया, शाहजहाँ, अकबर, जहांगीर, किसी भी मुगल शासक ने ऐसा नहीं किया। तो देखिए महाराणा अमर सिंह मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश के शासक महाराणा प्रताप के पुत्र तथा महाराणा उदय सिंह के पौत्र थे। कई वर्ष संघर्षों के बाद अंत महाराणा अमर सिंह ने शहजादा खुर्रम 1615 ईस्वी में पास संधि प्रस्ताव भेजा, प्रस्ताव को स्वागत खुर्रम ने किया कर लिया और सम्राट जहांगीर से आज्ञा लेकर अमर सिंह से संधि कर ली। यानी राइट आंसर यहां पर सी हो जाएगा, जहांगीर। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो यहां पर ये राइट आंसर तो यहां पर बी हो जाएगा। अब देख लेते हैं हम इसका एक्सप्लेनेशन। देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए यहाँ पे कह रहा जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को कहा जाता है। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अमरकोट के राजा बीरसाल के महल में हुआ था। अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 देखिए कह रहा ताजमहल के सुलेखक यानी कैलीग्राफर ने डैश ने 1648 ईस्वी में किसकी इसकी रचना की और पूरा किया, गैसुद्दीन, अमानत खान, सिराजी, अल बुखारी, मोहम्मद अब्दुह। तो यहाँ पर देखिए 1648 ईस्वी में अमानत खान सिराजी ने ताजमहल के सुलेखन की रचना की और उसे पूरा किया। ताजमहल भारत के आगरा शहर में स्थित एक विश्व धरोहर मकबरा है। इसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था। इसका निर्माण 1632 ईस्वी में हुआ था। यानी यहां पर देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, अमानत खान सिराजी। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 देखिए कह रहा अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के डैश जिले में स्थित है, मेरठ, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद। तो यहाँ पे आगरा में स्थित है बुलंद दरवाजा। अब देख लीजिए इसका एक्सप्लेनेशन, अकबर द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के आगरा के फतेहपुर सीकरी में स्थित है। इस प्रसिद्ध स्मारक का निर्माण 1601 ईस्वी में अकबर ने अपनी असीरगढ़ की स्मृति में असीरगढ़ दक्षिण विजय की स्मृति में करवाया था। हिंदू और फारसी स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण होने के साथ साथ विश्व का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार भी है। कुछ पुस्तकों में उल्लेख किया गया है कि अकबर ने गुजरात विजय के स्मृति में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 98 इसमें कह रहा है दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग लगे खड़ा है निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक परिसर में स्थित है, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार, लाल किला, हुमायूं के अकबरी के परिसर। तो देखिए
भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ यानी कुतुब मीनार के परिसर में 1600 वर्षों से बिना जंग लिए खुलेआम आसमान के नीचे खड़ा है। इसकी ऊंचाई 7.21 मीटर यानी 23 फीट 8 इंच है। तो कुतुब मीनार परिसर यानी सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 99, कह रहा प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी है तो किस मुगल शासक के सहयोगी थे, बाबर, अकबर, जहांगीर, हुमायूं। तो देखिए मीर सैयद अली फारस एक प्रसिद्ध चित्रकार था। जब हुमायूं निर्वासन का जीवन व्यतीत कर रहा था तब उसकी मुलाकात वहां के दो प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली व ख्वाजा अबुस्मद से हुई। हुमायूं इन दोनों से प्रभावित होकर इनको अपने सहयोगी बना लिए। यानी राइट आंसर देखिए यहां पर राइट आंसर डी हो जाएगा, हुमायूं। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, कह रहा पंचमहल इसमें से किसमें स्थित है, हवा महल, फतेहपुर सीकरी, ग्वालियर का किला, आगरे का किला। तो देखिए यहां पर कह रहा है पंचमहल, कह रहा पंचमहल फतेहपुर सीकरी में स्थित है। यह एक 5 मंजिला इमारत है जो बौद्ध विहार शैली में बनाया गया है। पंचमहल में जितने भी स्तंभ हैं ये सभी प्रकार के हैं। प्रत्येक की सजावट एक दूसरे से भिन्न है और प्रायः कलश, घंटियां, फूल और पत्तियों से बनाए गए हैं। यानी यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, फतेहपुर सीकरी। ठीक, तो सी राइट आंसर हो जाएगा, फतेहपुर सीकरी। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं, बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में, निषाद बाग जम्मू कश्मीर, फिरोज शाह कोटला दिल्ली, हुमायूं का मकबरा इलाहाबाद। तो देखिए हुमायूं का मकबरा इलाहाबाद में नहीं है, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। यह इमारत मुगल वास्तुकला से प्रेरित मकबरा स्मारक है। 1993 ईस्वी में इस इमारत को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया। यानी डी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आईने अकबरी किसने लिखी, फैजी, अबुल फजल, बीरबल, मुल्ला दो प्याजा। तो अबुल फजल ने लिखी आईने अकबरी। तो आईने अकबरी अबुल फजल द्वारा रचित अकबरनामा का ही एक भाग है। अबुल फजल मुगल बादशाह अकबर के दरबार में रहते थे। बीरबल, फैजी और मुल्ला दो प्याजा के भी दरबारी भी अकबर के दरबारी कवि थे। ये सभी अकबर के नौरत्नों में से एक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, बाबरनामा बाबर, शाहजहांनामा मोहम्मद ताहिर, हुमायूंनामा हुमायूं, तुजुक बाबरी, जहांगीर। तो हुमायूंनामा हुमायूं ने नहीं लिखा है। देखिए हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने लिखा है। यानी राइट आंसर यहां पर देखिए सी हो जाएगा। बाबरनामा बाबर ने लिखा, शाहजहांनामा मोहम्मद ताहिर इनायत खान ने लिखा, हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने लिखा, तुजुक जहांगीरी जहांगीर ने लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104, अकबर ने अपनी दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया, अबुल फजल, राजा बीरबल, मियां तानसेन, राजा टोडरमल। मियां तानसेन बी इज़ राइट आंसर। तो देखिए मुगल काल में संगीत का सर्वाधिक विकास अकबर के शासनकाल में हुआ। इसने आईने अकबरी में अबुल फजल ने 36 श्रेष्ठ गायकों का उल्लेख किया है जिसमें तानसेन व बाज बहादुर सर्वश्रेष्ठ एवं प्रमुख थे। अकबर के दरबार में तानसेन के अतिरिक्त अन्य ध्रुपद गायक बैज बख्श, गोपाल, हरिदास, सूरदास आदि थे। तानसेन की प्रमुख रचनाएं मियाँ की टोढ़ी, मियाँ की मल्हार, मियाँ की सारंग, दरबारी कांधड़ा आदि हैं। अकबर के ने तानसेन को कंठा भरण वाणी विलास की उपाधि दी थी। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने देख लिया। अब देखिए हमारा क्या आ गया है, नेक्स्ट चैप्टर आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर मराठा आ गया। तो इस चैप्टर को हम देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही, आपके लिए हेल्पफुल हैं, तो प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कॉमेंट कीजिएगा। थैंक यू।